नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एम डी एल इन्फॉर्मेशन में। आवास योजना से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को आवास योजना से संबंधित हर एक अपडेट मिल पाए। तो चलिए भाइयों, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे कुछ ग्राफ दिख रहा है 2023-24 का, जो सेक्शन एरिया है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रदेश दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, और यहाँ पर आप लोग इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थर्ड इंस्टॉलमेंट जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर भी थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर क्या है थर्ड इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी जो पहली किस्त है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब है भाई जो तीसरी किस्त है। आवास योजना की जो तीसरी किस्त बहुत लंबे समय से रोकी गई थी तमिलनाडु में, वहाँ भी पैसा भेजा गया है। अभी मैं आप सभी को आपका भी राज्य दिखाऊंगा, बहुत सारे राज्य है दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो में। अब इसमें आपको मैं डेट क्लियर करूँ, डेट क्लियर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। पहले तो आप लोग डेट देखिए, डेट देखने के बाद आप लोग एक चीज़ ध्यान से करिएगा, देखिए जो प्रोजेक्ट है, देखिए 21 सितंबर का है, आज है आपका दोस्तों 5 अक्टूबर। 21 सितंबर का क्यों ऐसा दिखा दे रहा, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब मैंने वीडियो बनाया था आपको भाइयों, 15, 16, 17 सितंबर को जो पेमेंट आने वाली थी वो यही पेमेंट है, और जो पेमेंट लग जाता है उसके कम से कम 5 दिन 4 दिन बाद ही एक ग्राफ दिखाता है नेट पर, यानी जो ऑनलाइन है ये कम से कम 4-5 दिन बाद ही दिखाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे, अभी मैं आपको एक मिनट और थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर ये देखिए तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेमेंट पिछले सितंबर में भेजा गया था, और इनका ग्राफ बनकर दिखाया गया भी था, और जो पब्लिक हुआ था दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भले दिखा रहा है दोस्तों आपको 20 तारीख, लेकिन जो पेमेंट था वो बहुत पहले पब्लिक किया गया था। अब देखेंगे साथ में 20 तारीख को भी छत्तीसगढ़ का भी पेमेंट आया था। अभी मैं ग्राफ दूसरा भी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे भाइयों जो बोलते हैं कि आप फेक बनाते हो, तो उन सभी को थोड़ा सा क्लियर करूँगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग छत्तीसगढ़ का कितना पेमेंट आया भाइयों, देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ का ही ग्राफ है, और अमाउंट आप देख सकते हैं। देखिए अमाउंट तो भाई लंबा ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिल के पैसा आता है, और देखेंगे 14 तारीख 15 तारीख 16 तारीख ऐसे करके जो पेमेंट थे ये सब आए थे। अब मैं इसमें क्लियर क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने थंबनेल बताया भाइयों, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त इन सभी राज्यों में भेजी गई है। जो पिछले वीडियो मैंने बताया था 7 राज्य जहाँ पर आपको बताया भी गया था भाइयों कि आवास योजना का जो राशि है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु त्रिपुरा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेमेंट भेजा गया है। ग्राफ आप लोगों को 102 दिन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और आज के दिन है दोस्तों 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आवास योजना की राशि भेजी जा रही है। और साथ में एक चीज़ और क्लियर करूंगा दोस्तों आप लोगों को, जो 5 अक्टूबर नहीं है, लगभग 10 अक्टूबर तक भेजा जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बताया भाइयों कि आप सभी को हमारे लिए आवास योजना का जो राशि है कम से कम 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में भेजा जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका आवास योजना का राशि आना शुरू भी हो चुका है तो उनके बैंक खातों में, तो आप लोग इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोगों को पेमेंट रिसीव होता है तो आप सभी भाई जितने भी भाई हैं किसी भी राज्य से, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा एक बार, जिससे कि मैं आप सभी को दिखा सकूँ। अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश से, मैं आपको कमेंट का भी थोड़ा सा इशू दिखा देता हूँ। चलिए मैं कमेंट का भी थोड़ा इशू दिखाता हूँ, एक मिनट ध्यान से देखेंगे। दिया है कि आप बेनिफिशियल कोड कितने दिन में आते हैं, यानी जो बेनिफिशियरी का कोड है वो कितने दिन में मिल जाता है, जिससे हम लोग ट्रैक करते हैं पैसा, ये भाई ने कमेंट किया। इस कमेंट में मैं आपको बता दूं भाइयों कि जो भी बेनिफिशियरी का कोड होता है, जैसे ही जियो टैग होता है, यानी जो सॉरी जैसे ही डेट ऑफ अटैचमेंट होता है, जैसे आज अगर ऑफिस में पहुँच गया आपका फाइल कम्प्लीट तरीके से, उसके लगभग 6-7 दिन या 10-15 दिन भी ले लेते हैं वो लोग डेट ऑफ अटैचमेंट करने में। जैसे ही डेट ऑफ अटैचमेंट को पूरा करते हैं आपका बेनिफिशियरी कोड मिल जाता है। दूसरा क्या भाइयों, जिला कुशीनगर से है राम कोला, तीसरी किस्त कब मिलेगी? देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग पिछले महीने में थर्ड किस्त का पैसा बहुत तेज़ी से भेजा गया उत्तर प्रदेश में, लगभग देखिए 29 जिलों में भेजा गया था, 29 से 30 जिलों में, टोटल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 30 जिलों में भेजा गया था भाई। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का फेल्ड भी हुआ है और बहुत सारे लोगों का पेमेंट पेंडिंग भी चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय और दीजिए, जैसे थर्ड किस्त को लेकर कोई अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश में मैं फिर आपको दूंगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज़ और है भाइयों कि इस महीने में बहुत लोगों का पेमेंट लगने वाला है, ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए 19-20 से लिस्ट में नाम आया है, अभी तक नहीं मिला है, क्या करें, बिहार का दोस्तों, बिहार का है लगभग। तो इसमें देखेंगे बिहार राज्य का एक भाई ने कमेंट किया है कि 19-20 से लिस्ट में नाम है, तो इसमें देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, अगर 2019-20 से लिस्ट में नाम है आपका
ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए उसमें जो क्या होता है एक चीज़ है, हाउस सेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें क्या है ना प्रपोज साइट दिखा देता है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है उसमें क्या दिखा देता है स्टेटस, तो आपका मैं क्लियर कर दूंगा भाई, प्लीज़ थोड़ा समय दीजिएगा, आपको मैं क्लियर समझाऊंगा भी और क्या करना है आपको भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। देखिए यूपी में आवास योजना 3 साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं आया पहली किस्त, क्या करूँ ऐसा क्यों है भाइयों? तो ऐसा देखिए थर्ड किस्त को लेकर, सॉरी पहली किस्त है इनकी भाई साहब की, तो मध्य प्रदेश में यार अभी आपको बता दें पिछले कुछ दिन में पैसा भेजा गया है और कम कुछ दिन का 2 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को समथिंग पैसा लगाया गया है। हाँ ये चीज़ है कि आपके जो जिले हैं उसमें हो सकता नहीं लगाया गया हो। देखिए भाई आप सभी के लिए मैंने बहुत दिन से प्रयास चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है ये चीज़ें, कि मैं आप सभी के लिए एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाने वाला हूँ भाइयों, आप लोग सहमति दीजिए तो मैं ग्रुप बना दूँ जल्दी से जिसमें आप सभी लोग जुड़ जाए, जिससे कि आप सभी का सवाल पूछने की प्रक्रिया चलती रहेगी और जवाब भी वहाँ पर मिलता रहेगा, तो इसमें लिए मैं आपको क्लियर करूँगा, ध्यान से बने रहिएगा। सर महाराजगंज यूपी किस्त फर्स्ट किस्त है, यानी महाराजगंज उत्तर प्रदेश से इन भाई साहब का कमेंट है, पहली किस्त आया भाइयों आप लोग ध्यान से एक बार जरूर डूड ऑफिस में संपर्क करेंगे। सेम समस्या जियो सर झांसी के लिए पहली किस्त, उत्तर प्रदेश वाले भाई आप लोग जुड़े रहे चैनल के साथ और फर्स्ट किस्त पैसा भेजा भी गया है और पेमेंट का जो सिस्टम है वो बन भी रहा है नए नगर पंचायतों में। अगर आप लोगों का नाम है बेनिफिशियरी सूची में तो एक बार जियो टैग चेक कराएं और जियो टैग चेक कराने के बाद आप लोग देखेंगे उसमें पेमेंट की डेट में आपका नाम जोड़ा गया कि नहीं। तो दिया गया शहरी आवास योजना का पोर्टल कब चालू होगा कि नहीं, एमपी का हूँ देखो, तो मध्य प्रदेश में पेमेंट चालू भी है, पोर्टल भी चालू गए, वहाँ पर लाडली बहना आवास योजना को लेकर एक अपडेट बहुत अच्छी आ रही है जो कि आज ही तक अपडेट था भाइयों कि आज तक आवेदन करना है, अभी कल बढ़ेगा कि नहीं इसका कोई अपडेट नहीं है, अगर आज आवेदन को कल बढ़ाया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि लाडली बहना आवास योजना जो है सरकार ने चालू किया है, जो वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार अगर बढ़ाती तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए भाई मेरा भी नहीं आया है, क्लिक थ्री डॉट पर नहीं हो पा रहा है, तो लिस्ट देखने के लिए भाई आपको बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ शहरी आवास योजना को लेकर, अगर होगा तो अगली बार फिर बता दूंगा कि ऐसे एग्जैक्ट क्लिक करें। तो दोस्तों अरबी का बेनिफिशियरी आईडी कब से बनेगा, कब से होगा, ये चीज़ें अर्बन यानी शहरी आवास योजना को लेकर है भाई सबका सवाल। तो शहरी आवास योजना को लेकर मैं आपको बता दूँ, अर्बन की जो वेबसाइट है देखिए वेरीफाई तो होना शुरू हो चुका है, मैंने बताया भी आपको कि जो जाँच की प्रक्रिया DM खुद बता रहे हैं कि कुछ जिलों में आप लोग जाँच कर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेरीफाई करें। तो ऐसे करके सवाल है बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का सवाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए, आप लोग कमेंट करें जिससे कि मैं आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बना सकूं और आप सभी को एक दूसरे के माध्यम से जोड़ूं जिससे कि आप सभी लोग अपना सवाल जवाब कर सकें, आपस में भी बहुत सारे लोग सवाल करेंगे जिससे कि अगर आप लोग उस जिले से होंगे तो आप लोग बता भी सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, ये चीज़ आप लोग सहमति के साथ करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे। सवाल मैं एक सर्वे भी कराऊंगा जिसमें आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए कि नहीं, आप लोग जैसा करेंगे वैसा करूंगा। तो चलिए भाइयों धन्यवाद।